नमस्कार दर्शकों, मैं सनोज रावत और मैं राज लक्ष्मी और सेवा संबंधी सादर प्रणाम कर दूं आप तय और उम्मीद छा कि आप राजी खुशी वाला और जक भी हमारा शो देखना वाला खुशी खुशी के देखना वाला। तो चले आज मैं आपको दिल की बात एंड फ्रेंड्स का कार्यक्रम हार्दिक स्वागत कर दूं। आज मैं आपकी मुलाकात करोलू उत्तराखंड का सुपर स्टार जी का दगर माँ। जी हाँ, आप लोगों की बहुत सारी फिल्म देखी भी होगी, जन की चक्र चाल, घर जवें, घन्ना भाई MBBS, घन्ना भाई चालवा, जगवाल और काफी सारी एल्बमों में आप लोगों को अभिनय देखी वो। तो चले आज आपकी मुलाकात कराए उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध हास्य सम्राट, हसौन खिलौन और गुदगुदी करण वाला हमारा उत्तराखंड का हास्य सम्राट, जो की मुखड़ी देखी वन भी कह की हंसी निकल जाती। तो आज हम उनकी हंसी का पिछने क्या राज था। तो चले झड़ से आज उनके हंसी का पैतृक क्या राज है, ऊपर निवास स्थान उनकी दिल की बात उनकी जवानी सुनिए। तो चले चला उनको घर। नमस्कार घननंद जी, दिल की बात कार्यक्रम में आपको और आपको धर्मपत्नी को हार्दिक स्वागत कर दिया। धन्यवाद। आपको परिचय तो सभी जानदा छा, पर हमारा रिवाज छा कि हम जय भी कलाकार दगड़ी अपने दर्शकों की मुलाकात करांदा। तो हमारा दर्शक आपको परिचय आपका मुख बटी सुन चांदा। धन्यवाद सुनोर जी और धन्यवाद राजलक्ष्मी जी, बहुत अच्छा लगे कि आप में से मेरे मुख से ही मेरे परिचय पूछना चाहना था। जी। तो मैं आपसे बता दूँ कि मैं पौड़ी गढ़वाल का गगोर सिंह पट्टी का गगौड़ा गांव को मेरे मूल गांव च और वे गांव में मेरे पिता जी स्वर्गीय श्री सागर जी और मेरी माता जी को नाम जो जानकी देवी च और उनका घर में पैदा हुई हूँ। हम लोग तीन भाई था, एक हमारा स्वर्गवास हो गया, एक भुला भी छे और मेरे जो परिवार थे मेरे झगड़े जो बैठे थे मैं मेरी धर्मपत्नी जो जैका प्रताप में आज मैं बैठी छो और मेरे तीन बेटी छन और तीन बेटा छ और मेरी शिक्षा दीक्षा लेंस डॉन में हुए इन समझा कि मुख की पैदा छो और लेंस डॉन का माहौल में ही मैं पैदा हुई हूँ और उख मैं पौड़ी छ। आप बचपन में ये हंसने की कला कब बटी सीखी? देखो हर आदमी बचपन से कई किस्म का नेचर होना इंसान का और मैं स्कूल में जब पढ़ते था मैं हाई स्कूल थे हमारे कैंटोनमेंट के वहाँ वे टाइम पर हमारे ज़माना का टाइम पर बाल सभा हुई है। बाल सभा में विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा दिखे जानी चाहिए कि कोई बच्चा क्या लाइन में कोई साहित्य के लाइन में कोई कला का क्षेत्र में कोई जान चाहू चो को कभी बन लो वो एक प्रतिभा उखी बेटे आनी चाहिए वो बोल सब बाल सभा। तो बाल सभा में सभी बच्चे करता तो हम भी हम गुण बोल जाते खड़े हो जाओ तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, तो मेरी जो मेन गुरु छन जौन मिठे कला सिखाई और जौन मिठ का अंदर कला डाली वो मेरी माँ छ। अच्छा अच्छा, कि वो बोली मेरी माँ ने मेरे से बोली कि तुम कभी इन बोल लिया स्कूल में तो इन इन बोल तुम तो वो बोली वही जो मना माँ कभी क्या बोलते ना रामलीला रहे वाली तो कभी श्रीनगर की तरफ मेरी माँ को मैच छो ना जी जी। तो कभी श्रीनगर गए वाला वही जो मना माँ रामलीला देखो तो उनको हसान बोल रहे वो लोग तो वे माँ उन उन सुनी थे उनसे याद है वे को नो छो अंगड़ा नाचे भंगड़ा नाचे नाचे बोतल खाना सांप भी नाचे मेम भी नाचे कूद पड़े खमसा माँ मैं तो मेंढकी है और तो पाली में के रहने वाली इन टाइप की कुछ मेरी माँ बताने चले तो मैं वैसे अपनी बाल सब माँ बोलते हैं स्कूल माँ तो लोग ऐसा था। अच्छा, तो अंगड़ा नाचे तो वैसे मेरे नौ ही कुछ दिन अंगड़ा नाचे हो गया। अच्छा जी, तो ये से मैं थोड़ा सी मेरे अंदर फिर आया कि अरे वाकई में लोग मेरे से हर दर्शन तो मैं यही था करने पड़े। अच्छा अच्छा जी जी, जी। आपन पहली बार कार्यक्रम कब और कक कम करी? वे की बात से कुछ होना छो स्कूल को तो उबरी पिक्चर छे 1900 जब चीन की लड़ाई हुई छे जी जी सन 62 में तो हम लोग जो जब कभी सिविलियन था क्योंकि हम भी लेंस डॉन जो कि गढ़वाल की गढ़वाल रेफर के सेंटर से और उख जो उख सिविलियनों से भी सिखाना था कि भाई अगर कभी बंग गिरेगा क्या होगा आप कैसे वो करेंगे तो साइलेंट बजे छो तो रात में हम लोग खर्च 2 बजे फड़ाक से हम जमीन में इन ले जाते तो उबर जो हमारी बार से कुछ हो गए तो उबर हम वो बन गया जवान सैनिक
तो हम छोटे छोटे सैनिक था तो उबर गाना छो एक टाइम को के हकीकत पिक्चर को गाना छो तो वे में हम मेन लीड पर छो मैं कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले बटन साथियों उबर हम यूरोप ने जा अब बीच में झनके हुए कि कपड़ा खराब हुएगी और खलबट उल निकली की पैंट जो चले ना अब हुए के बाद लोग हंस गए नहीं तो उन बोले यार इसको हीरो का रोल मत दो इसको ये कर दो तो तब से हमारी शुरुआत हुई तब हम धीरे धीरे फिर अगले बढ़े फिर नौकरी पर लग गया फिर नौकरी के बाद हम जो हमारे रेस्टोरेंट का बहुत सारा कलाकार था फिर हम एक क्लब बने विघ्नो झनकार छो तो झनकार क्लब में एक से कलाकार था तो उसके बेटे हमारी फिर शुरुआत की। तो इंद्र जी आपसे एक सवाल कि आपकी शादी घनानंद जी दगड़े कब और कै सन में हुआ? हमारी शादी सन 75 में हुई और इन शादी भी हमारी कि नहीं उन देख मी थे और न मिन देखी हूँ थे और ये लोग बस में है नहीं और फिर ये एक दिन पहले आ गए था फिर यूँ को बुक साधन छो बड़े रैन खाना को फिर हमारी शादी सन 75 माँ 7 तारीख मेरी बरात है मई माँ और 8 तारीख विदाई हुई और बड़ा सीधा सी लोग छाई भी छोटा सी छा 20-21 साल का और मैं भी 17 साल है छो फिर हम लोग गाँव में आया और बड़ी कष्ट से रहो मतलब मैं ये तपड़ी कलाकारी माँ व्यस्त था ये मैं तय छोड़ गई नहीं और अपने आप चल गई नहीं 7-8 महीना बाद फिर दोबारा आया नहीं और मतलब मैं तय इतना शर्म उन छ कि मैं बोल दू भी नहीं छो मैं ये कि एक बेटी मेरी शादी हुई कि मैं बड़ी हुई हूँ देहरादून के अंदर और बड़ी खुद भी लग दी छो तो वो भी कह माँ छो जब ही नहीं छा और सासू मेरे थोड़ा उन तो वो बहुत अच्छा था लेकिन थोड़ा मिजाज तेज छो तो मैं वो माँ भी नहीं बोल दू छो कि मैं खुद लगी या कुछ मैं को दर्शन तो मैंने 5 साल बाद देखी और फिर मेरे ससुर ब्यो का बाद फिर मेरे ससुर जी मैं पूछता छा कि तुम तय खुद लगनी होली किले नहीं जाना छा तो मैं बोल छो तुम मैं तय भेज देनी छा तो बोल छा कि यूं तय बोलता छा कि उनसे बोला तो मैं बोल दो घर ही नहीं आना तो मैंने कह मबुन तो यहाँ का वजह से मतलब मैं चुपचाप रह छो कह मबुन नहीं छो तो ये बहुत मतलब अपनी कलाकार में बस छा हम इंतजार कर छा कि खर्च भिजला में होता है घर में तो कई दिक्कतें होने लेकिन ये तो अपनी जो बिंद छो खर्च कर देना छा फिर कभी आंदा भी छा तो खाली आन जाएगी घर में तो फिर इन्हीं नंबर जीवन बीते थे फिर बच्चा लोग हुए गए नहीं मेरी बड़ी बेटी हुए फिर छोटी बेटी हुए फिर तीसरी बेटी हुए तब एक बात थोड़ा यूँ था इन लगे कि यार अब 2-3 बच्चे हुए गए नहीं तो मैं देखने चढ़ो चपड़ घर बार थोड़ा आप चिंत भाई दिल की बात तो बोली है अब मैं भी जरा अपने दिल की बात बोल दे दो भाई ये हो चुके वाक्य में परेशानी तो वे छे क्योंकि मैं जन्मजात कलाकार हूँ और ये मेरी मान में है कलाकारी माँ अगले बढ़े आज मैं ऊका प्रतापी कलाकार हूँ और मेरी बॉडी लैंग्वेज भी एक कलाकार की भी गई। अब वाक्य में हम कत का क्यों बोलते ना देखो जी जो ये बोली बात सही भी नहीं है मैं कलाकारी में इतका मस्त हुए गए छो इतका बिल्कुल डिवोटी हो गए छो जी कि कला के अलावा और मैं कैसे कोई कुछ नहीं छो मेरा मेरी शादी हुई 1975 में मई का महीना में तो मैंने शादी होने बाद यह भी नहीं देखी आई मैं भी कल कैसे करूँ छो तो नौकरी करूँ छो लेकिन मैं कभी भी एक साल तक न यूँ दगड़ी कोई बात हुई ना कुछ हुई तो कलाकारी मेरी बहुत पड़ो छो पैसे जी। अब तब लड़े हुए थे तब यूँ के पिताजी है कि भाई क्या बात नौनी खुद भी लगनी चाह भेजना भी नहीं चाह और वो लड़का जो चूँकि आपको लड़का तो आवारा चे अरे हाँ वो तो मतलब ये कि जब ब्योह करी तो इन आवारा लड़का तुमने ब्योह के लिए करी तब साहब मेरे बाबा ने बोले कि भाई वो कलाकार टाइप कुछ और तब बोलना तब मेरे बाबा ने कसम दी कि देख भाई तुमने अगर वो चो अगर तेरे थे जो मेरा सौ छ मैंने गंगा जी माँ फाल मार देना तो खबरदार ब्यो कर तो तू मैं निकल तब भगवान की दया से वह आज तक मैं से बिना पूछा कोई भी प्रोग्राम मान ली जानो ठीक है ना और वही मेरे सपोर्ट कर दी आज हम जल कभी खैरी खेवेली
कुछ भी कह बोलूँ तो वह भी मेरी भागीदार थी मेरी दगड़ी दुख की भी। तो हम सुख तो खैर कर सुख तो बाप बच्चों को प्रसाद दे गला, लेकिन जो भी हमें बहुत अच्छा लग दो कि मैं कलाकारी में अच्छा पैसा मिलने कभी नहीं जाएगी। आज के युग में जो पैसा ही कलाकार लाखों रुपये कमाना चल मैं अपनी गेड़ी को पैसा डाली और हम तनख्वाह मिली चौबे तनख्वाह भी कम से 100-95 रुपये रह वाली तो वे पैसा तो मैं उन कलाकारी में चलो आज बना चार आज बना बना तो आज वो भी खेल खेल तो आज हम कम से कम कुछ नहीं थे गड़बड़ी संस्कृति से लोग अगले बढ़ाना चलो और अच्छी बात। अच्छा तो आप मंच भी करे वाला बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम करे और आप दूरदर्शन भी हमने आप सुनी रेडियो में भी सुनी बहुत जगह मतलब आप तें सुनी हमने तो आप तें ये में कुछ फायदा हुए कुछ बता सकते जन की फायदा हुए देखो कख बेटे कख पहुँच आदमी देखो हम गांव से या स्कूलों से बाल सभा से हम अपना वार्षिक कोशिश से फिर रामलीला में भी करिए तो रामलीला कोई बांध बन गया कभी कुछ बढ़ गया तो हम अपना से बड़ा बड़ा जो सीनियर था उनसे दिख रहा उख बैठे फिर हम धीरे धीरे हम छोटा मोटा स्टेज हमारा जन्म आज लेंस जोन से कोड़दार चल गया है पौड़ी चल गया है श्रीनगर चल गया है ये नहीं बुलाने जब फिर डिमांड बढ़ते रहे कि भाई ये आदमी ठीक है जानू चे लोग पसंद करते हैं डिमांड तब हो देखो कोई भी कलाकार हो अच्छी हो या बुरी हो अगर पब्लिक उसे पसंद कर लीजिए वही सबसे बड़ा कलाकार है। हम बुला रहे कुछ नहीं सब बेकार है ना पब्लिक जैसे पसंद कर दी वही कलाकार है। तो हम गाना भी गाना चाहे उबर हम नाटक भी करना चाहे और लड़की उबर आंगली से अच्छा घर की लड़की थे कोई भिजत भी नहीं छोड़ लगी तो उबर हम चिपला हम ही चाह खूबसूरत हम ही बड़े से कभी कभी नौ दो तीन नौ नौ और चाह हमारे स्कूल में वही बड़े से लड़की तो मेन करी आदमी शुरुआत हुए फिर उबरी राजनीति वे को केवल देशभक्ति को बहुत बड़ा जुनून समझते जब हम पढ़ना चाहते उबरी सोमवार को व्रत लेना चाहूँ कह रहे कि सोमवार को व्रत उबरी एक नारा चाह कि जय जवान जय किसान एक गाना मिले उबरे याद थे हिमालय की बुलंदी से यही आवाज आई चले बेटे क्या ऐसा कुछ कर रहा था तो वह देशभक्ति की तो बहुत अच्छा लगे तो फिर आना चाहिए भाई हमते एक दूसरे की मदद करनी चाहिए चले एक दूसरे की करो तब गाना उबर आना चाहिए साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना। हम देश के लिए भी सोचा था हम अपनी कुटुंबदारी को बाद में सोचा पहले देश के लिए सोचा देशभक्ति के जुनून तो आप बहुत दिखने चाहिए और हमल आपकी गड़बड़ फिल्म बहुत सारी दिखी पर आपकी सबसे पहली फिल्म क्वाचा और आप ये फिल्म कन में हैं। देखो मैं सरकारी जॉब मतलब अच्छे ही छो जी जी लेकिन जब भी बोले थे एक पिक्चर थे शुरू में गर्जा में पिक्चर तो वे माँ मिस है काम मिल गई तो काम करीबन ज़्यादा उन बोले यार काम तो है कम थे तो मेरे बोल कोई बात नहीं कलाकार को तो जब भातो एक टिंडन हो तो जब खाणु पक दो तो एक चक्कर दें कि हाँ पक गई कि नहीं पके तो उन्होंने एक मैंने कहा कोई बात नहीं छोटो चाहे कोई हो कलाकार आदमी चाहूँ तो करी थी मेरे को माँ तो लोग उसे पसंद है वो मेरे बाद तब कई फिल्में मिलने शुरू हो गई नहीं फिर बटवर करी कौतिक करी और क्या बोल बेटी बारी करी और क्या बोल बारी होती इन करी सतमंगलिया करी और चक्र चाल पिक्चर करी और क्या बोलते हैं कई फिल्में कर लिया अब याद भी नहीं जन्मित है अब एल्बम भी कर लिए तो ये तो मैंने करी अरे एक फिल्म में ना अब तब वीडियो फिल्म बन रही है गलना भाई MBBS और एक गलना गिरगिट यमराज और ये वीडियो फिल्म चल रही और गलना भाई चालबाज तो लोगों ने काफ़ी पसंद कर लिया है तो मैं उन दर्शकों से जो सुनना चल और दिल से देखना भी होला और मैं दिल से आप थे ये बात कर सकते हो दर्शकों कि आप मुझे बहुत प्यार दे बहुत प्यार दे एक छोटा सी किले के हमारे छोटे सी स्टेज से उना कुमाऊँ अलग होगी इना गढ़वाल होगी कुछ जो साल लेकिन आप इतना प्यार कर दें मुझसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद दें तो आप थे और अब आने वाली सन पिक्चर और बहुत कलाकार है अच्छा अच्छा अब युवा पीढ़ी बहुत अच्छा कलाकार आना चल और
गान वाले भी अच्छा छन, डायरेक्टर भी अच्छा छन और गान वाले भी अच्छा है। और युवा से हम तो यूज के हमारी संस्कृति है अगर बढ़ा ला, लेकिन फोर टाइप की नहीं होनी चाहिए। और ये पश्चाताप जी झा फू पा ये नहीं होना चाहिए, तो कुछ कुछ लेकिन भी होनी चाहिए अच्छी। गर्जवें और चक्रचार फिल्म हमारा उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध फीचर फिल्म छ, तो वही फिल्म में मतलब आपका अभिनय द्वारा वही फिल्म तक आज भी याद करना रहता, तो वही फिल्म के बारे में हम तक कुछ बताओ। आपने इन बोली एक अवस्था बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो ये थी कि चक्रचार पिक्चर अच्छी कह की बहुत अच्छी लिखी थी, क्योंकि राइटिंग भी अच्छी थी और डायरेक्टर भी बहुत बढ़िया था और गीत और संगीत भी अच्छा था और कलाकार भी अच्छा था। और ये मेरे सौभाग्य थे कि मिले मैं रोल छोटो मिली और जो भी मिल करी दर्शकों ने बहुत प्यार करी, ये कवास्ता में दर्शकों तक थे। और घर जमे भी, घर जमे पहली पिक्चर थी जो कि सुपरहिट थी, वह भी बहुत अच्छी लिखी थी, बहुत काफ़ी पैसों की बनी थी, वही टाइम पर 35-40 लाख रुपए की बनी थी, बम्बई में भी शूट हुए और बहुत अच्छी वही जमे की बड़ी अच्छी पिक्चर। मेरे से मेरा रोल कम छो लेकिन मैं बड़ो खुश छो क्योंकि पहली बार मैंने आप देगी और अच्छा लोगों से पसंद आए, तो इले जो एक वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों से दोनों में जो पिक्चर पसंद करी। तो इंदु जी आपसे एक सवाल जी, आज घनानंद जी को इतनी बड़ी नौच है और जीवन में आप पहले बहुत ज़्यादा कष्ट कहें, आज आप हर चीज़ से भरपूर छा, तो थोड़े से दी शब्द कि आप तो उन नाम से मतलब कितना खुशी होंगी। मैं तो उनका नाम से बहुत खुशी होंगी, पहले तो हम परेशान रहें छा तब तो गुस्सा आन छो, लेकिन अब इन जी का नाम से हम भी कहीं जनात हम तो बहुत इज्जत मिल दी पौड़ी माँ, जब भी छोरा पुलिस वालों को चालान काट दें छा, कभी हेलमेट नहीं पहरी तो ऊखा बच्चा सब बोल छा कि हम वेगा लड़का छा, तो यूँ को नौ को फायदा वो बच्चों भी उठे, तो यूँ सुनी भी हम तो फायदा हो छो, हर कोई बोल सो कि हम तो वेगा लड़का छा, पुलिस वालों सब पहचान होगा छा तो वो चालान नहीं काट रहा छा। तो फिर एक दिन पुलिस वालों ने उसे बोले आप तेरे कद का लड़का छन सब बंदा ने कहा नौन छो, तो यूं बोले मेरा तीन लड़का छन और उनका नाम यू छे, तो उन बच्चों को ये बात सुनी भी हमते खुशी हुई कि चलो आज यूँ कित का नौ छे और सब लोग पछाण छन, तो बच्चा भी सेव रहे नहीं उनका नाम से, तो बहुत खुशी हूँ दी। और जितना भी मतलब अब लोग पछाण छन फिल्म माना ने तो बोल दछन तुम एक घर वाला छा था, हमते बहुत सुख मिल दू खुशी हूँ दी, वो दुख हम भूल गया पिछला और कोल दुख ये दुख की भाई कभी घर नहीं है नहीं, कभी हम परेशान छा चिट्ठी दे के भी घर नैन छा अपना, आज फिर कल करूँ तो फोन कर दे छा बीच माँ कि मेरा आज 10 कलाकार आना छनू कु तू खाणो बने चूल्हा माँ बना छा, वो भरी पता लग भोर भोरी बिन दाल भात खलैनू कला करूँ तय गुस्सा बयान छो, लेकिन फिर खुशी पहुँच है कि चलो यार हमारी कलाकार आना छन हम तय उसे प्यार छो, तो हम आज मैं तो ईद का परेशानी नहीं होती किले नहीं होती कि एक तो बच्चा भी बड़ा वेगे नहीं, थोड़ा मदद कर देना भगवान दे से बुहारी भी आएगी, तो अब इन चीज अब गैस को जमा होगी तो उसका कष्ट नहीं आद, उबर चूल्हा माँ पकान छो मैं ठंड भी छे तो चूल्हा माँ पकान छो मैं इले, तो कलाकार तो मंडेर आनी लग्या रहा ना, मैं बहुत खुश हूँ कि मंडेर बेमान आनंदन कलाकार आनंदन हम तय वो देखण तय मिलदन यूँ तय देखणु आना ना हम तय देखदा, तो बड़ी खुशी होंगी कलाकार लोग से हम बहुत प्यार करना, लेकिन आज कलाकार बनना बोल मांग रखना छन कि हम तय ईद का लाग देना, लेकिन उनका भी मांग नहीं करी यूँ बोल कि ठीक छे मैं ओलू और वे से उनको खुश छन और भगवान है दे साजी तुर नौच और हम भी खुश छा। तो समय बहुत बदले गया है, पहली माँ अब मतलब बहुत काफ़ी अंतर रह गया है, जन कि आप कुछ भी चीज़ देखा आप जो लोग गायक आना चाह कलाकार आना चाह तो वो मतलब वो की बहुत फैसिलिटी होगी वहीं खातिर, आप एक गानों गाला तो यूट्यूब पर डाला तुरंत अगर अच्छा करेंगे तो खुद प्रचार होगी वे को मतलब अगर ना है कि मार्केटिंग में पहली एक सुविधा कुछ नहीं था, जो जो कानून पड़ दो वो अपनी कला दिखानी पड़ देते हैं सब जो भी मतलब अपनी मेहनत दिखानी पड़ देते हैं, अब यह तक पहली माँ अब मतलब काफ़ी अंतर होगी, तो आप एक बार में क्या बोलना चाहता। मैं एक बार में ये बोलना चाहता हूँ कि देखो हम जब शुरू में काम करता था तो ना तो दूरदर्शन रेडियो भी हम लोगों में कक्ष होता, हम कई बात भी नहीं सुन रहा, अखबार भी हमने कभी देखे नहीं, तो जब तक भी नाटक बनाना था हम अपना दिमाग से बना सकते, तो वैसे वही गाँव का लोग सुन रहे था, तो जब जो बढ़िया काम करी वो लोग तो उठे आज तक याद थे कि गाना भाई आप 36 साल पहले मेरे गाँव आए थे आपने ये बोला था, आज तक मैंने ऐसी कॉमेडी किसी की नहीं देखी, क्यों उबरे मनोरंजन करने वाला हमेशा और सुनने वाला भी कम कम लोग था। फिर आज के युग में क्या होगी कि इंटरनेट से लेना कोई कोई
चीन का चुटकुला, अब ये चीनी लैंग्वेज भी चली थी तो चीन के चुटकुलों से एक आपको आदमी कि भाई मुझे आती है तो वो एक अनुवाद करी थे, वो गड़ में बोल देना पंजाब को गड़ में बोल देना वो का आना एक में बोल देना चाहना, तो बहुत सस्ती ऊँचे बहुत जल्दी लोग से मिली थी। लेकिन वो जो बॉडी लैंग्वेज थे, वो जो जन्मजात कलाकारी थे, वे को उनका अंदर कोई अंश नहीं दिखेना ठीक थे इना के को बेटा इना के मड़के मुड़के की सब चलू थे। इन आजकल हिंदी फिल्म का गानों में भी चल, गड़बड़ गीतों में भी चलू थे, एक गाना एन बोल दे आज वो रैप चलू थे, अब बोलू फैप चलू थे, अब इन चलू थे। तो अब जो थे वो बुद्धिमान और वो अच्छा लेखक नहीं छन, और वो लोग नहीं छन जो बिल्कुल बिल्कुल प्रकृति पर और आज की जो सिचुएशन च और क्या कि खैरी पर क्या का वे पर नहीं लिखना की। हर आदमी को बड़ा बड़ा चैनल खुली हुई और इना बेटे इना लाणू च एक दूसरे की नकल करेगी तोड़ मरोड़ करी थी मैं डालना चाहूँ। लेकिन अब पता नहीं कब आलू जन्म एक समय आलू पक्का कि पृथ्वी बल गोल है तो हम एक बेटे चलना चाहते अभी चलते चलते हम एक हम तक कह गया अभी इसका बाकी थे फिर आना हम उकमी पहले तुरी कट की पैन चल जाए अब पहले जूता वो बेटे जो फिर बेल बटम चली फिर धीरे धीरे वही तुरी कट आएगी। तो बोलने की बात कि हम जहाँ से चले हैं एक दिन उकमी ओला आला फिर इन कलाकार आला जो बिल्कुल वास्तविक कलाकार होला जो थे उसे अपनी कला से वैसे बहुत प्यार हो लो और अपनी ये जो भूमि माँ च ये जो उत्तराखंड की भूमि च और ये माँ कला कला जन्म गिने कलाकार और आला ये भूमि च तो हम ये बोलता कि भैया सस्ती लोग पे चलनी चलनी च नहीं बोल दो लेकिन अ करो तो बिल्कुल ढक के करो और ये वो भागे चुकी आजकल इलेक्ट्रॉनिक इन इन चीज आई ये वो भागे और हमने तो जो एक्टिंग करी होती कत का दिन बाद हमने पता नहीं वो जो घर में पिक्चर करी तो पहले तो वे की वो शूटिंग हुई कैसे होगा हम तक क्या पता कैमरा कन चलू चु ट्रॉली कन चलनी चु अरे भाई कैसे बोलना है डायलॉग कन बोले जनन ये हमसे तब तो हम ना तक पता था लेकिन फिल्म की टेक्निक हमसे पता नहीं थे। लेकिन जब हम आया तो उन बोले है बाप बिना रेल चल के और इस आदमी ने ऐसा कर दिया क्या है बल आपने कहा भाई हमने कहा हम तो पहले ये काम थे हम रामलीलों में कर देना चाहे ये काम थे हमारे नाटक में करें चल। तो आज का ये जो चल रहा ये फड़क और जो अलग अलग कैमरा डिजिटल कैमरा जो है कि नहीं शूटिंग करना चल फिर देखना चल अरे मजा नहीं है अरे शूट करो नहीं उसको वॉच करो फिर 100 दफी होना चल तब कोई बिगड़ जाए बहुत आसान होगी कलाकारी करनी। पहले की पिक्चर देख ले आप ब्लैक एंड वाइट रोना आता था वहीं से देखता था जब हम तो हम चलते कुछ आ हमारी कहानी क्या ये हमारे गौरे कहानी थे ये कहानी मेरी थी तो हम उम्र कलाकार जब मेरे पिताजी बोलता था खबरदार पढ़ोगे लिखोगे बनोगे साहब खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मेरे बाबा बहुत हम बाबा बोले छापड़ो बाबा तो मेरे बाबा जो थे ये कलाकारी से बिल्कुल नफरत कर देता और ईश्वर की दया से वो नफरत करी आदमी ने वो चीज़ ज़्यादा करी जन हम बोला ए छोड़ो ए नो नो खबरदार मेरी कम चीज़ धरी है हाँ कोई नहीं छड़ा यहाँ तो नो नो का अंदर ही नोंद कि बाबा कबर जालू और तब उद्योग दर्शन ई चाचू तो वही बात हुई हमारे बाबा ने बोल के कलाकारी नहीं कर मैंने करी पर लेकिन मेरे को दुर्भाग्य से मेरे कि मेरे बाबा ने कभी मेरी कोई बड़ा नाटक नहीं देख ली या कोई पिक्चर नहीं देख ली वैसे पहले मेरे पिताजी हुआ तो मैं अपने पिताजी के नाम से कई बार मैं अवार्ड भी लगा हूँ तो हमेशा भी याद आ जाती खुद बोल कि मेरे गुरु भी एक चीज़ से वही सन जो विरोध करता था आदमी की दया से मैं अपनी माँ का नाम से कलाकारी बढ़ूँ और मैं चाहता हूँ कि आदमी अपने दिमाग से भी कोई काम करूँ और सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अगर ये बड़ा हमसे सीनियर सन हमारे गुरु सन क्योंकि उनसे देखिए हम बड़ी था आजकल लड़का क्या है वो क्या है वो क्या है नहीं होना हम इनका कड़े बोल दे वो क्या है तो बात खत्म हो जाएगी। तो सन पिचहत्तर बेटे ब्यो हुए से पहले कलाकारी कर सकता और अभी तक भी भगवान जैसे जब तक बच्चा रहा किले कि हम घर में नहीं बैठ सकता चाहे कोई फ्री में बुलाना हो जाए पर जाना मैं जरूर हो भैया हम तो कलाकार जब तक बच्चा रहा
बचू रो लो, ये पूरी संस्कृति के लिए काम कर लो, और जो सोना चंद जगना चंद बैल तुम लोगों का की प्रोग्राम हो तो जरूर बुलाया, थोड़ा बहुत खर्च पानी भी दिया। ये बात तो घनानंद जी, आपन नौकरी के दौरान एक कलाकारी क्षेत्र में पूर्व समय दिया है, तो थोड़ा वे के बारे में कुछ बताया कि वे समय में आपको थोड़ा मतलब कितना कठिनाई ऊंचे। आपको सवाल बहुत ही अच्छे हुई थे। देखो, जब कई चीज़ को जुनून हूँ आदमी को, तो वे का वास्तव कन कन कर दो कह जुनून चुकी मुझे हिमालय की टॉप की चोटी पर चढ़ना चाहिए और एक इतिहास बहा। तो वो नहीं देख दो कि भाई उस ठंड से ऑक्सीजन कम होली, मैं जा सकूँ कि नहीं जा सकूँ, मेरे को कभी हार्ट अटैक भी हो सकूँ। तो वो जुनून मेरे को भगवान मेरे की कामयाबी पूरी कर दो चुके एक मेहनत से तन हमारे से। हम कलाकारी मार रहे हैं तो जो भी हुए हमारो अमन एक साल तक देखी भी नहीं थे, फिर जब जो ये भी जुनून छो कलाकारी करना रहे हैं, सब लोग बुलाना रहे हैं, अपनी किस्सा को हमने आनु जानू और अपने तगड़ी कलाकारों से भी लिया। तो ये हमारो अपनी मेहनत है। फिर नौकरी लगी तो नौकरी में सेल छुट्टियाँ उन्होंने 14 और प्रोग्राम होना था हमारा 25-30। अब जान कर गए थे तो कभी हम नहीं चल जाए बिल्कुल तुम्हारे यार स्वाह। अब चल जाए सर साहब प्रोग्राम वहाँ से आए फिर नंग फिर गौरव बोल साहब पैसे यार तुम तेल ले जा और तुम जरा आज बुझित बिना तेल का कन के होता मेरे बोल तली बढ़ा ली अणुभूत भी कह लिया तो तल भी चल दो तो खुश छे गर्व। आज मैं जो भी बने हो क्योंकि उनका प्रताप छो न वो सखी टाइप की कि तुम प्रोग्राम जा न हो कुछ हो कुछ ना उसे मालूम थे कि हमारे चरित्र क्या थे। हम अपनी चरित्र हमन दो चीज़ जीवन में ये सीखी कि एक तो अपना चरित्र इंसान को सही हो जी बस, और एक ईमानदारी से आदमी सच होने चढ़ूच और चोरी चपाटी आदमी से निकल चढ़ी हमने अपना माँ बाप से ये सीखी। और कना रहे फिर वो गया फिर कई जगह जवाब तलब हुए तो अब अरे तुम आ गए थे नहीं नहीं तब तक अखबार में जा कि कल गणानंद ने बहुत हंसाया बोलिए यार तुम तो कल अखबार में आ रखे थे। मैंने कहा मैं गणानंद में ही थोड़ी हूँ, ये सारे गढ़वाल में और भी तो हो सकते हैं गणानंद तक कल कह मैं फोटो आ जा। तो हम बोले था भाई डुप्लीकेट फोटो है, मैं नहीं मैं तो यहीं था। तो एक नौकरी छोड़ी मैं करीबन 4-5 नौकरी छोड़ गई और तब मैं इस जंगलात में लास्ट में आया और ईश्वर को इन खेल हुए कि यह या भी मैं वॉलेंटरी छोड़नी पड़ी। तो कलाकारी में बहुत तालमेल भी करी और बहुत ही क्या बताऊँ कद को गाय खाई कद का गौरमा खाई ऑफिस में कद का जवाब तलब हुई नहीं नौकरी कभी कभी तनख्वाह भी नहीं मिलती चाहे नौ की फीस भी देनी पड़ी चाहे बहुत सारी चीज़ें होने लेकिन एक तक पहुँच गया। और आज का युग और वे युग में बहुत उबर हम कलाकारी क्या करें कि उबर हम खुद लड़की बनाना चाह कहीं परेशानी बनाना चाह रामलीला में चल गया भाई तुमने रामलीला में हंसाना है अब रामलीला में चल गया और लोग हंसा चाह पर कह इन पूछे कि तुम खाणु का कह और लोग हंसा उसे और 2 बजे रात की और स्वां कोई ना गए कोई ना गए कोई मुँह छोड़ लेके गए कोई डाल से लेके गए और लापता ये भाई अमन का करें डाल परेशानी हो जाती शेण का चमन। तब वे रामलीला का मंच पर ही रामचंद्र जी बोल पर्दा और इना दी पर्दा लगे रहें चाह ऊँचे उठे के हमन बिछे बिछ और वही हमन जिकेन भी ले और जो हुए कि चौकीदारी में रहें छो वे बोले आज ये अगेन चौकीदार मैं आज घर चल जाऊँगा। तो बोलने की बात यह है कि उसी राम की कृपा से कि आज उत्तराखंड में 4 आदमी में पचल ले जा। पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं, पैसा तो मैं अभी भी नहीं चौंका मानू अभी मैं पुरुष प्रोग्राम में गया यार बोले दे नहीं सकते कुछ। मैंने कहा तुमने पहले भी नहीं दिया और तुम्हारी औकात भी नहीं देने की ऐसा है क्यों नहीं है। कला की किस कोई मोल नहीं है, कला को कोई कितने में खरीदेगा किसी की औकात नहीं। माँ सरस्वती को आशीर्वाद और आमीन खुश मन खुश हो चढ़ू बस हम खुश चाह आज ईश्वर की जैसे बच्चा भी मेरा ठीक चल जन हम चाह मेरा बच्चा भी बहुत अब पर हम घर घर को मोल हमारू गड़बड़ी में बोल रहा पूर्व परिवार मेरे बुआरी बहन से बिल्कुल गड़बड़ी हमारे गड़बड़ी बिल्कुल मैं हमारी आदत होगी बहन भी बोल रहा हूँ अपनी बोली भाषा में करा और जै क्षेत्र में आप आना चाह वे मैं ईमानदारी से कूदा आप
आप लोगों तक हसाना का दगड़ा दगड़ा माँ सामाजिक संदेश भी देना रहेंदा जो यू कहूँ बहुत मुश्किल है, पर आप कन कर लेंदा। आप एक बार हम तक कुछ बताओ जन। कलाकार भी एक समाज को अंग है। बिल्कुल। और समाज की कुरीतियाँ समाज में क्यों होना चाहिए वे थे, वे का बचाव के लिए कलाकार को एक फर्ज थे कि वो अपनी कला के माध्यम से वो कुरीतियाँ समझो उठे सुधार में लाओ। तो सामाजिक तो एक हर आदमी को जन आप लोग जन कलाकार जन आप इतना अच्छा उद्घोषक था, अच्छा बोल रहा आप, आपके जगड़े छोड़ एक सुपर स्टार और अनाउंसमेंट भी अच्छे कर लक्ष्मी जी और उनको व्यवहार भी अच्छे छो। तो बोला मतलब ये यूँ थे भी कि मैं कई इन्हें गीत छन कई इन्हें कई संस्थाओं से जुड़ी छन कि जो समाज के लिए काम कर रहा। तो हर को हम लोगों को एक फर्ज छ कि जय समाज में हम रहना चाहें वही समाज के लिए हम कुछ काम करा। बिल्कुल। तो हम करने लगे गाँव में, देखो हम इतना क्या बोलते इतना धनराशि हम छनी छा कि हम क्या गरीब थे बांट रहा, लेकिन दिल से हम बोल रहा कि यार गरीबों को सभी गरीब थे मैं भी चाहूँ सब चंद गरीब गरीब को नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे अब ये समाज में हमारा अपना भयबंद गड़बड़ी भयबंद अपनी संस्कृति से भी प्यार करना चाहें और अपना लोगों का वास्ता भी कुछ कुछ इन संस्था छ कि जो सिर्फ गड़बड़ियों के लिए काम करनी चाहिए, कोई इन संस्था छ कुमाऊँ के लिए काम करनी चाहिए, सिर्फ गरीबों के लिए वही माँ कोई भी उत्तराखंड को होने चढ़ हो सबके लिए काम कर लीजिए। वही माँ मी भी चाहूँ मी भी क्या कर सकते आर्थिक रूप, लेकिन क्या करें भी हम कुछ काम कर सकता कोई। पिछली बार से मैं एक प्रोग्राम में गई छो कि भाई उसकी किडनी ख़राब है उसके लिए कुछ कर सकते हो, भाई मैंने कहा मैं मत तो कुछ छनी छ मैं मत जो छो तो मैं लगे नहीं, लेकिन अब इन कि मैं उसके लिए मंच पर कोई काम करा लूँ कच्ची बिल टिकट रोली मैं फ्री में ऐसा लूँ फ्री में परफॉर्म कर लूँ उन भी हम फ्री में ही कर लें, लेकिन अगर मैं तो भगवान की जैसे थोड़ा बहुत है पैसा और वे को कुछ अब देखो मैं चाहूँ सो कि जगह पर हम प्रोग्राम करिए वो बन जा। आपको व्यवहार बहुत ही सुंदर छा, आप जन आप ते अगड़ी हमने बातचीत करी तो हम ते बहुत ही अच्छा लगे आप दगड़ी बातचीत करी कहीं तो आप ते जो भी मिल दो जन कि आपका दर्शक वो जो भी आपका चाण वाला लोग छन तो जो भी आप ते मिल दो तो आपका व्यवहार देखे कहीं कायल हो जाना आपका मतलब, तो आप एक बारे में हमते कुछ बतावा। आप ये तो बढ़िया ढंग से बातचीत सब दगड़ी गुली मुली कन घरे लेंदा क्या पता है। देखो हर आदमी को अपना अपना नेचर अपना व्यवहार अपना स्वभाव आदमी के नीचे, क्योंकि हम मेहनत से ये कलाकार में आया बहुत मेहनत करी और एक वो हों कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय है जगह जगह लिखे हुए। छोटू सी उत्तराखंड से गढ़वाल क्षेत्र लगे छोटे से दर्शक भी बहुत कम छ हम कला गए कर दा और हम जो मिन वाला अंदन और हम अकड़े आ रहे भगवान को चार तो हमारा दर्शक छो समय हम सुपर स्टार बन गया बड़ी भारी मेरे को, क्योंकि पब्लिक से हम तो शुरू से ही लगाव रहे और पब्लिक मतलब मैं खुद और जो छन हमारा दिल से अंदर यार हम जमीन से अच्छे लोग हमसे बहुत अच्छे लोग और व्यवहार हमारे ये नीचे कि मेरी माँ और पिताजी को ये भूल कि आप व्यवहार कुशल हो चढ़ और इंसान को बेकूफ आप क्या बोल कि हम सब भयबंदी थे छा तो एक दूसरे देखे थे हम कौन से बहुत तीर मारे कि साहब हम बहुत बड़ा था। तो इंसान को बिहार अपनों लगड़ी ठीक ही होना चाहिए और ये माँ हम तो लोग चांदा छन जब मैं चांदा छन तभी तो वो आंदा छन में कई फर्क कोई प्रतिबंध कोई भी ऐसा मैं कभी भी मिल जाऊँगा हर छोटा से लेके बड़ा छोटू कलाकार भी कुछ नहीं हूँ कलाकार कलाकार हूँ छोटू और बड़ो उन दोनों कलाकार ही बोले जाऊँ छोटू कलाकार वो हूँ जैसे कम मौका मिले अब बड़ो कलाकार वो हूँ जैसे मौका मिली हूँ और जो फाइनेंशियल जो हीरो में छो तो मैं बड़ो कलाकार तो छोटे ही बड़ो कलाकार 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 ही होकर भूले जाऊँ कलाकार। तो कोई भी मेरा जो जत का भी कलाकार लोग सन अपना व्यवहार अच्छा बना लोगों से मिला और क्या चार दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात है और बहुत बड़ी बात कि लोग मिथे इतना प्यार कर सन मिलता सन तो मैं खड़ा मिल रहा वाक्य में आपका फैन इतना ज़्यादा छे ना और हम भी आपका फैन बहुत बड़ा छा और आज आप मतलब बात करके हम तो बहुत अच्छी लगी कि हमार बहुत बड़ा सौभाग्य छे कि आपका मतलब दिल की बात हम जाना चाह। तो एक प्रश्न फिर आपसे कर दूँ आप क्या सोचते हैं कि आज कन फिल्म बन चली नहीं
ताकि उत्तराखंड का दर्शक भी फिल्म ते देखने को खुद ही भागी के जाओ। देखो मेरे अंदर कथका प्रतिभा च और मैं क्या पब्लिक से देना चाहूँ चाहूँ लोग किले मेरे पिछले आवन और मैं देखो आवन जी। मैंने एक बात बोली है कि हम एक बेटे चल रहा फिर घूमी था एक मेरे ना पृथ्वी गोल अभी हम कई जनरेशन आने छन फिर कोई नाची छन कई छन कोई इन छन फिर वो घूमी उखमी आला बोलो मतलब ये कि वो आज के जो नाती च वैसे ये पता नहीं है कि मेरे दादा को क्या हिसाब किताब छो मेरे दादा की पहले को कल्चर के छो वो कल के अग्नि बलनी वे के बारे में वो नहीं जान लो तो वैसे ये भी पता चल रहा कि हमारे पिछले के छो कुछ फिल्में इन बन चली जन की जो वास्तविक की होनी चाहिए कि यार ये उत्तराखंड था और ये हमारा कल्चर था हम ऐसे लोग थे। तो अभी देखो जन एक फिल्म बनी चाहिए जहाज कैसे लूबा कब डूबे वो लूट जहाज तो वैसे उन इनके रिपीट करें तो आज की युवा पीढ़ी वैसे देखनी चाहिए इनकी कुछ इन फिल्म बन चली चाहिए ऐतिहासिक कि हम गड़बड़ी कि छा और हमारे क्या कल्चर हमारे दादा परदादा कन कह रहे हैं भले आज के वैसे बच्चा वैसे स्वीकार नहीं कर रहा लेकिन देन चमन हमारे जन पकड़ तुम तो कान पड़ो मेरे का आ गया मैं माँ ये इज्जत तो ये पकड़ में तो बात भी थी कि जन में सौंप लो लेकिन वे को कोई मैं कुछ हो चढ़ू जन हम छोटा सा बोले तो हमारी माँ एक गीत लगा चौबन कि अगे चेत मेला अगे चेत मेला माजी मेरी रोली मेरी माजी की बाटी लाटी छे मेला मखोली अगे चेत मेला हो और हर भी रोन दीजिए हमने बोल क्या रोनी चाहिए माँ तो ये क्या चीज माँ मैं बाबा खुद गीत मैंने बोलू तो कि ढोल से ही पता चली कि खुद हेड़ तो इन छो वाला वे टाइम पर कि जब ब्यो ली वही ब्यो हो तो बड़ी चकों को ब्यो हो कि लेकिन दान को लिया दहेज तो अब चलू छो उबरे ब्योला घोरी रहन छो और ब्योली लेकिन ब्योली का मैं जान ब्योली से लान ब्योली से फिर वो आंधी से अपने ससुराल तो जो ब्योल छो वो घर में खानो पकान छो कि ब्योली आनी चाह हाँ वे अपने उबर बोल सर तक कहूँ ब्यो तो उबर इन हो तो वे को ये हो कि जो ब्योली वो खबर आनी चाहे वही के मुंड बजे हो चाहे तो वह साल भर छः महीने तक मुंड कभी नहीं खोल दी चाहे किले कि खुद उन कि मेरे मौसी की बनी चाहे तीन बदल छाओ बरीक 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 आजकल अंग्रेजों को दिखना हम कई बार बरीक 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 वही फैशन देखो कहाँ आया तो वही चक्कि वो लिखो जैसे कि मेरी मौसी की बनी च मेरी माँ की बनी च और तब खुद लगे छे वे जब कोई इन संचार को कुछ को नहीं छो तब जाके आप तो संचार ही संचार ऊपर नहीं छो तो वही टाइम की ये खुद चुके ये माँ वास्तव चाहते तो ये थे ई पर बढ़ चढ़ी छंग ये पर गीत बढ़ चढ़ा छंग वही चीज पुरानो इतिहास आज को दे रहे जाल तो तब लगो कि हाँ ऐसे पिक्चर है ये है हमारा कल्चर ये हमारी पिक्चर है इन्हें गीत दिखने बोला भी नहीं अब नया छोरा तो नहीं आना खैर अब देखो भगवान कुछ आलू जरूर। अच्छा जन की ये कार्यक्रम को नाम है दिल की बात तो आप हमते अपना दिल की बात जरा खुली के बता दिया हमते और हमारा दर्शकों ते भाई दिल में तो मेरा बहुत कुछ है और जब आप पूछना चाहते तो बोली देना मेरे दिल में यो कि मिथे आज का वे माँ ये दौर माँ संस्कृति का कि मिथे बहुत ही दुख हों कि मैं हास्य कलाकार के लिए बने कि लेकिन आज कह भी वे माँ हास्य कलाकार कोई सम्मान नहीं कोई इज्जत नहीं जबकि मैं 40-45 साल से काम करूँ क्षेत्र में और मैंने भी बड़ा बड़ा मुकाम हासिल कर ली और एक नया तरीके से मैं भी ये हास्य को उलह हूँ लेकिन आज कभी भी हास्य कलाकार थे कोई सम्मान नहीं थे कोई इज्जत नहीं थे और मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत गलती करी कि मैं हास्य कलाकार बनूँ मैं थे भी एक गायक होना चाहूँ ताकि मेरे भी लोग अच्छा इज्जत करें और वे की करें कि हाँ ये कलाकार है सिंगर
बहुत बढ़िया गायक है, हैं। आज देखो ये उत्तराखंड की एक संस्कृति च, संस्कृति विभाग, वो विभाग हास्य कलाकार से कलाकार नहीं मनो यार। अच्छा। ये से बड़ो हास्य क्या बता। मैंने कहा भाई क्या है, तो कोई हास्य कलाकार इसका मतलब मैं इन चांदों की भगवान कोई भी हास्य कलाकार पैदा नहीं करो जब इन्हें बेचती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं चांदू कि नया नया कलाकार उत्तराखंड का अगर कोई गान मानू छ तो शास्त्रीय संगीत सीखिया सीखिया आप। नृत्य मानू छ वो विधि बताओ, गायन हुए अभिनय हुए या नृत्य हो बढ़िया ढंग से सीखे आया तो वे की कोई बाकी कुछ और सीखे आया तो खुद आपको बेस मजबूत रहो, आप को मनोरंजन आप पब्लिक को कर ले तो दर्शक भी खुश रहे कि वाह यार क्या बात है, क्या प्रतिभा, क्या सीख क्या रखा है। तो ये है, सब धंधा छोड़ेगी ये कलाकारी में गया पैसे कुछ नहीं तो भूख नहीं मने। तो बताती हूँ खंखल होती हूँ अपनी संस्कृति से एक बहुत बड़ो मजाक थी कोई भी चीज़ सीखी आप। तो भाई मैं ज़्यादा नहीं बोल सकूँ, ये बोल सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको घनानंद जी और इंदु जी, आपसे बात करके हम तो बहुत अच्छी लगी, शायद हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत ही अच्छी लग गलो। अब कुछ नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो जब इतनी अच्छी लगे हमारे दर्शकों को तो बहुत ही अच्छी लग गलो। कुछ नहीं, ना ना धन्यवाद आपको बहुत 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 धन्यवाद राजलक्ष्मी जी आपको वास्ता और सनोज जी का वास्ता जो युवा छन आप दुयो को उज्जवल भविष्य छ। और मैं भगवान से प्रार्थना कर दूँ कि आप दुयो को उज्जवल भविष्य हो। और धन्यवाद दें दूँ मैं NP फिल्म से और उनसे शुभकामना दें दूँ कि वो फिल्म को चैनल बहुत अच्छा चल रहा। और वाक्य में मैं भगवान से प्रार्थना कर दूँ कि ये चैनल वाक्य में अच्छा चले और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।